She works the nights by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके. Hi everyone, welcome back to my channel Indian Beauty Tips and Tricks. So, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग DIY हेयर मास्क लेकर आई हूँ और ये DIY हेयर मास्क बेस्ट है फॉर विंटर्स. और विंटर्स में हमें अपनी स्किन की बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है बट हम साथ ही साथ हमें अपने हेयर की भी देखभाल करनी पड़ती है और हम मोस्टली उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, स्प्लिट इंस हो जाते हैं एंड विच रिजल्ट्स इन हेयर ब्रेकेज एंड हेयर लॉस. तो इसलिए मैं ये हेयर मास्क लेकर आई हूँ. आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा एंड इसके लिए बहुत ही सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करी हूँ जो इजीली आपको घर में मिल जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो है एलोवेरा जेल और मैं ये प्लांट का लेकर आई हूँ एलोवेरा जेल. आप चाहे तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाला एलोवेरा जेल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं बट आई विल प्रेफर दिस एलोवेरा जेल बिकॉज ये बिल्कुल नेचुरल होता है और ये बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों के हेयर के लिए. और विंटर्स में तो एलोवेरा जेल इज़ अ मस्ट. आप इसको प्लांट उगाएँ अपने गार्डन में एंड देखना और ये बहुत जल्दी उग जाता है और बहुत ज़्यादा भी उग जाता है एंड इट इज़ परफेक्ट आप अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए. और बहुत से लोग तो इसकी सब्जी भी बनाते हैं. मुझे पता नहीं इसकी सब्जी कैसे बनती है. मैं एक्चुअली कहीं जाती थी तो वो मेरी टीचर थी तो वो बताती थी कि मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ तो आई डोंट नो हाउ. तो ये मैंने कुछ हाफ लिया हुआ है. अगर आपकी हेयर लेंथ ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा एलोवेरा जेल. और जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो तो हर घर में होगा विच इज़ हनी. यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ हनी यूज़ करा हुआ है. और जैसे जिनके लॉन्ग हेयर होंगे तो उनको सारी जो क्वान्टिटी मैं बता रही हूँ डबल करनी होगी. जैसे मैंने यहाँ हाफ एलोवेरा जेल यूज़ करा तो वो पूरा फुल करें और हनी की जैसे मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ करा तो वो 2 टेबल स्पून यूज़ करें. थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ वो है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल. और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, ड्राई हेयर या नॉर्मल हेयर है तो आपके लिए ये विंटर्स में एक मिराकल की तरह काम करेगा. आप इसको ज़रूर लीजिए. मैं इसकी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से मैंने ये लिया है. ये बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए. तो आप देख सकते हैं ये थर्ड इंग्रेडिएंट था. अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको ग्राइंडर में मिक्सअप कर लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए. और याद रखें ये सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर में होने चाहिए, थोड़े हॉट होने चाहिए तभी जाके ये मिक्स होकर लिक्विड बनेंगे. नहीं तो ये एकदम सॉलिड रहेंगे और ये मिक्स होकर अच्छा सा पेस्ट नहीं बन पाएगा और आप इसको लगाएंगे तो ये आपके हेयर में भी अच्छे से नहीं लगेगा. तो याद रखना कि ये रूम टेम्परेचर में ही होना चाहिए. फिर जब आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे ग्राइंडर में तो मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉटल में इसको डाल दे रही हूँ. छोटी सी बॉटल है या आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कोई भी लोकल स्टोर में ख़रीद लीजिए. आपको 10-20 रुपीज़ की मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि जब आप इसे नॉर्मली लगाएंगे तो ये काफ़ी मेसी हो जाएगा बट आप इसे बॉटल की हेल्प से लगाएंगे तो ये काफ़ी सही से लगेगा और पूरे रूट्स में जाएगा आपके हेयर में. सो इट्स वेरी हेल्पफुल. और मेरे पास ये एक ही बॉटल है एंड मैं इसको इतनी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ. इट्स अ मस्ट बाय. ये जो छोटी सी बॉटल है कहीं पर भी मिल जाएगी, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं. और मैंने इसमें कोकोनट ऑयल इसलिए मिलाया है क्योंकि उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. जो ड्राई हेयर है उनके लिए तो ये मस्ट होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपके हेयर को मॉइस्चराइज्ड करेगा और जो लश्र और शाइन और सॉफ्टनेस चाहिए आपको अपने हेयर में वो ये कोकोनट ऑयल ज़रूर आपको प्रोवाइड करेगा. बताऊंगी कि इसको आपको अपने हेयर में लगाना कैसे है, कितने टाइम तक लगाना है और फिर उसके बाद आपको अपने हेयर वॉश कैसे करना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले. बट उससे पहले प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. जो रेड कलर का बटन होता है उसको जस्ट क्लिक करें, वो बिल्कुल फ्री होता है, नो मनी रिक्वायर्ड. और उसके जस्ट राइट में ही एक बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. तो इस बॉटल को, इस मिक्सचर को जब आप यूज़ करें तो इससे पहले आप ज़रूर इसे एक बार शेक कर लें ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हो एकदम बिल्कुल एक साथ मिल जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. फिर और फिर आपको जैसे आप हेयर ऑयलिंग करते ना वैसे ही आपको ये मिक्सचर को अपने स्कैल्प में लगाना है. आप अपने टिप्स में भी लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपके हेयर को मॉइस्चराइज करेगा
सो इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग ये है कि आप 1 to 2 आवर तक इसे लगा कर छोड़ सकते हैं। मैं मोस्टली इसे संडे के टाइम यूज़ करती हूँ, क्योंकि संडे को एक ऐसा टाइम होता है जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, तो आप तब इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे 1 आवर के बाद आप जैसे नॉर्मली अपना हेड वॉश करते हैं, कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मैं पैराबेन एंड सल्फेट फ्री वाले शैम्पूज ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आप पर कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छे से बिल्कुल एक बारी में ही निकल जाएगा। कुछ ज़्यादा आपको कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड इट्स रियली गुड, यू शुड ऑल ट्राई इट। मैं इसको बहुत अच्छे से मसाज भी करी है, और मसाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है हेड मसाज, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करती है आपके हेड में, विच विल हेल्प टू रिड्यूस द हेयर फॉल, हेयर लॉस एंड हेयर ब्रेकेज। तो आप ज़रूर ऐसा करें। और मैं लास्ट में इसको एक बन की तरह बांध दूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइज, बाय बाय।